हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गोभी और पोहे से स्नैक्स बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोभी और पोहे से स्नैक्स बनाना। पोहे और गोभी से स्नैक्स तैयार करेंगे हम। ये हमने एक कटोरी पोहा लिया है और ये एक छोटा सा गोभी का फूल लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। एक गाजर ली है, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये मैंने धनिया लिया है। सबसे पहले मैं पोहे को भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। ये मैंने पोहा को एक छलनी के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे धो लूंगी अच्छे से। पोहे को मैंने पानी में भिगो दिया है। इस पोहे को मैं एक साइड में रख दूंगी। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं ये गाजर, गोभी, हरी मिर्च और ये हरा धनिया भी डाल दूंगी। और साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच और जीरा 1 छोटा चम्मच और ये 2 चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसमें। और इधर हमारा ये पोहा भीग चुका है, देखो कितने अच्छे से भीग गया है ये पोहा हमारा। अब मैं इसे छलनी में छान लूंगी पोहे को। पोहे को मैंने छलनी में छान लिया है। अब मैं एक चम्मच की मदद से, सर्विंग स्पून की मदद से इसका पानी अच्छे से निचोड़ लूंगी। ये हमने पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। ये हमारे पोहे में से 2-4 बूंदे ही पानी निकला है। अब मैं पोहे को इस पेस्ट के अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं और ये हमारा पेस्ट मिक्स हो चुका है। और इधर मिल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं पेस्ट के छोटे छोटे बाउल बना लूंगी। अब मैंने थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लिया है और इसके छोटे छोटे रोल, गोल बॉल्स बना के तैयार कर लूंगी मैं। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके बॉल छोड़ दूंगी। और इसे इन्हें अच्छे से फ्राई होने दूंगी मैं। अब मैं इन्हें हिलाऊंगी, देखो कितने अच्छे से सीख रहे हैं। और ये हमारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखो कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। और बाकी बचे हुए बॉल्स भी मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखो अच्छे से हमारे ये वाले भी फ्राई हो चुके हैं और ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल दूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारे गोभी और पोहे के रोल बनकर तैयार हो चुके हैं।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।